साल रोहतगी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ उन लोगों के बारे में जिन लोगों के बारे में मैं इतना जानती भी नहीं थी, मगर ऑब्वियसली जानती हूँ इतना कि उनके बारे में बात कर सकूँ, बट शायद आप लोग भी उनके बारे में इतना नहीं जानते होंगे, तो मुझे लगा कि मुझे उनके बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। पहला नाम है हंसल मेहता का। जी हाँ, हंसल मेहता इज नॉट एज फेमस एज करण जौहर, मगर उन्हें नेशनल अवार्ड मिला है। वो मेरी पहली फिल्म ये क्या हो रहा का डायरेक्टर था। ही इज अ गुड मैन और मैं उसका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि मुझे उसके ऊपर मी टू का कोई आरोप डालना है, जैसे तनुश्री दत्ता हर एक डायरेक्टर के ऊपर मी टू का आरोप डालती है जिसके साथ उसने काम किया है। तो मैं हंसल मेहता का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हंसल मेहता जो एक ठीक ठाक डायरेक्टर है, अच्छे इंसान भी है, उन्होंने विवेक अग्निहोत्री को टारगेट किया जिन्होंने एक ट्वीट शेयर किया जहां पे वो एक लिंक ऑफ अ न्यूज आर्टिकल शेयर कर रहे हैं जो बता रहा है कि कैसे शाहीन बाग प्रोटेस्ट के अंदर इस्लामिस्ट कन्वर्जन हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, एंड दैट प्रोटेस्ट नीड्स टू एंड बिकॉज दिल्ली इज अ राजधानी ऑफ आर कंट्री एंड वी नीड टू स्टॉप दिस फेक ड्रामा जो हो रहा है CAA NRC के नाम पर। मगर हंसल मेहता, जिनकी दूसरी शादी एक इंडियन मुस्लिम लेडी से हुई है, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम बिकॉज ना ही हैज गॉट ब्यूटीफुल किड्स ऑल्सो, सो हंसल मेहता ऑब्वियसली विवेक अग्निहोत्री को टारगेट करके कह रहे हैं कि यू नीड टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस रिलीजन बिफोर स्प्रेडिंग हेट्रेड अबाउट दिस रिलीजन बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट इज हिंदुइज्म। तो मैं हंसल मेहता को इतना कहना चाहती हूँ कि विवेक अग्निहोत्री ने ऑब्वियसली एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया जो बता रहा है कि शाहीन बाग में एक्चुअली हो क्या रहा है ये प्रोटेस्ट के नाम पर। रही बात, आप कौन होते हैं किसी हिंदू को कहने के लिए कि वो कन्वर्ट हो जाए इस्लाम के अंदर? अगर आप कन्वर्ट हो गए बिकॉज ऑफ यूर marriage to an Indian Muslim lady, then that is your personal affair. But आप ऐसे openly किसी को कह रहे हैं तो वो गलत है, and that is an example of conversion propaganda जो आप लोग करते हैं, जो एक secular हिंदू करता है, obviously because वो लालची हिंदू होता है, कावड़ हिंदू होता है या दोगला हिंदू होता है। So हंसल मेहता की hypocrisy को मैंने call out किया, तो हंसल मेहता told me that I am brainwashed and I need to get well soon. So हंसल मेहता, I am just telling you that 5, 6, 7 साल की बच्चियां इन पाकिस्तान जो हिंदू सिख ईसाई जैन धर्म की होती है उनका जबरन अपहरण कर दिया जाता है एंड दे आर मैरिड ऑफ टू 40-50 ईयर ओल्ड मेन एंड उनके फादर कुछ नहीं कर पाते क्योंकि पाकिस्तान इज अ लॉलेस कंट्री। मगर ऑब्वियसली आपको उनके बारे में दुख नहीं लगता क्योंकि ऑब्वियसली दे आर नॉट योर फैमिली। अगर आप सोचिए, अगर ऐसा कुछ आपके घर में किसी बेटी के साथ हुआ होता तो आपकी क्या सोच होती, बिकॉज आप भी एक फादर हैं, एंड अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो आप क्या करते, because you are being so Hindu-phobic अपनी पिक्चरों के funding के लिए that it is shameful and it is really disgusting and disappointing and I did not expect this from you because आप मुझे एक सुलझे हुए इंसान लगे, मगर अब अपनी पिक्चरों की funding के लिए आप ऐसा Hindu-phobia फैला रहे हैं तो बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है। साथ साथ में उनके समर्थन में आती है कौन, the second lady whom we don't know about, उसका नाम है रेखा भारद्वाज। जी हाँ, रेखा भारद्वाज इज द नॉट सो फेमस वाइफ ऑफ विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज इज फेमस फॉर हिज हिंदू फोबिया, मगर उनकी एक वाइफ भी है जो अपने आप को सिंगर कहती है एंड शी हैज कम इन हिज समर्थन, हंसल मेहता समर्थन, एंड शी इज कॉलिंग मी समबडी हु शुड नॉट बी एक्नॉलेज्ड। तो देखो बेटा, अगर आप मेरे पे पर्सनल अटैक करोगे तो मैं तो आपको छोड़ने वाली थोड़ी हूँ। तो रेखा भारद्वाज एज पर बाला साहब ठाकरे वुड बी अ हिजरा, दैट इज वॉट ही वुड हैव कॉल्ड बिकॉज शी इज सफरिंग फ्रॉम हिंदू फोबिया। सो रेखा भारद्वाज अपने हस्बैंड के नाम से तो आपने बहुत सारी पब्लिसिटी ले ली, अब कुछ अपना टैलेंट भी दिखा दो, बूढ़ी हो गई हो, मगर बुढ़ापे में समझदारी की जगह आप ये हिंदू फोबिया फैला रही हो क्योंकि अभी भी शायद आपको कोई इतना तवज्जो नहीं देता जितने आपके हस्बैंड को देता है। सो प्लीज डोंट टारगेट मी, यू डोंट इवन मैटर टू मी, बट बिकॉज यू हैव टारगेटेड मी एंड बिकॉज योर ट्विटर हैंडल हैड अ वेरीफाइड यू नो टिक नेक्स्ट टू इट, आई एम कॉलिंग आउट योर हिपोक्रेसी। रही बात तीसरी लेडी की, तीसरी लेडी थर्ड पर्सन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज सुचित्रा कृष्णमूर्ति। नाउ नथिंग अगेंस्ट सुचित्रा कृष्णमूर्ति, मगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति शुड टॉक अबाउट द फैक्ट कि कैसे निर्भया के जो रेपिस्ट हैं उनकी फांसी पोस्टपोन कर दी गई है बिकॉज शी कॉल्स हरसेल्फ एज अ फेमिनिस्ट, मगर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट निर्भयाज रेपिस्ट की फांसी कैसे पोस्टपोन कर दी गई है एंड हाउ द निर्भयाज रेपिस्ट नीड टू बी हैंग्ड ASAP, शी इज टॉकिंग अबाउट प्रियंका चोपड़ाज आउटफिट विच वॉज हिडियस एज पर माई सेंसिबिलिटी। जी हाँ, वो कह रही है कि प्रियंका चोपड़ा को इसलिए टारगेट करा जा रहा है बाय ट्रोल्स बिकॉज शी इज एन औरत, और अगर एक आदमी ने ऐसा कोई आउटफिट पहना होता तो उसको टारगेट नहीं किया जाता। तो सुचित्रा कृष्णमूर्ति जी, आप इतना फेक फेमिनिस्ट कार्ड प्ले करना बंद करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रियंका चोपड़ा इज अ बॉलीवुड स्टार
एंड शी इज वर्किंग अब्रॉड सो शी इज गोइंग टू बी टॉक्ड अबाउट इफ शी ड्रेसेस बैडली. जी हाँ, उनका आउटफिट वॉज नॉट एज पर हर बॉडी. इट इज ओके टू बी अनफिट, इट इज ओके टू बी फैट, इट इज ओके टू हैव स्ट्रेच मार्क्स, दैट इज योर पर्सनल चॉइस. मगर अब अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं और आप पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं जहां पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप जानबूझ के इतना हिडियस आउटफिट पहन के बेवकूफ लग रहे हैं, तो एज एन इंडियन, एज अ पर्सन हु बिलीव्स इन फिटनेस, हम आपके आउटफिट की डिस्टेस्टफुलनेस को कॉल आउट करेंगे. दिस हैज गॉट नथिंग टू डू विद मैन एंड वुमन, दिस इज अबाउट यू रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट ग्रैमीज, विच इज अ वेरी वॉच्ड इवेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड आप वहां पे एज एन इंडियन बहुत ज्यादा बेवकूफ लग रही थी. इट इज परफेक्टली ओके इफ यू वॉन्ट टू बी फैट, सुचित्रा कृष्णमूर्ति. इट इज परफेक्टली ओके इफ अ वुमन वॉन्ट्स टू नॉट रिड्यूस. इट इज परफेक्टली ओके इफ अ वुमन वॉन्ट्स टू बी अनफिट एंड शो हर स्ट्रेच मार्क्स. These are perfectly okay things because these are personal choices. मगर आप अगर एक पब्लिक फिगर हैं और एक पब्लिक फिगर होके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंटरनेशनल मैप पे और ऐसे हिडियस आउटफिट्स पहन रहे हैं, जब इंडिया के अंदर हम फिट इंडिया कैंपेन रन करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को एक्चुअली फिटनेस की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सुचित्रा कृष्णमूर्ति, यू साउंड लाइक अ फेक फेमिनिस्ट. आपको एज अ फेमिनिस्ट सपोर्ट करना चाहिए था निर्भया की मदर को, और निर्भया के जो कातिल हैं उनको फांसी नहीं मिल रही है, उस फैक्ट के लिए आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए थी. मगर ऑब्वियसली यू केम इन सपोर्ट ऑफ प्रियंका बिकॉज ऑफ सर्टन वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ योर्स, विच आई डोंट नो, विच यू ओनली नो. तो आज मैंने बात करी अबाउट दीज थ्री पीपल जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते थे, मगर अब ये वीडियो देखने के बाद आप जान गए होंगे. एक था हंसल मेहता, मेरी पहली फिल्म का डायरेक्टर, जो हिंदू फोबिया रख रहा है. क्यों? क्योंकि उसकी पिक्चरों की फंडिंग शायद बंद हो गई है. दूसरा नाम था रेखा भारद्वाज. कौन है वो? विशाल भारद्वाज की बीवी, द सो कॉल्ड सिंगर, बुढ़ापे में भी फेम नहीं पा पाई. एंड थर्ड पर्सन इज सुचित्रा कृष्णमूर्ति, द वाइफ ऑफ द वेरी टैलेंटेड शेखर कपूर, हु इज ऑब्वियसली सपोर्टिंग प्रियंका चोपड़ा'स चॉइस ऑफ क्लोथ्स, विच वॉज डिस्टेस्टफुल एज पर many, but is, has not come in support of Nirbhaya's rapist and killers. Namaskar.